वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, साल 2009 में एक 2 साल के बच्चे को उम्र कैद की सजा दी गई एक देश में। रीजन सिर्फ इतना था कि उसके घर में एक बहुत ही डेंजरस किताब मिली और ये किताब इतनी खतरनाक थी कि उस देश की कल्चरल और इंटीग्रेटेड सिस्टम खराब कर रही थी। और ये इतना खतरनाक कंटेंट था कि 52 देश ऑफिशियली या अनऑफिशियली इनलीगल करार दिया गया। और आप यहाँ पर ये गेस करिए कि ये खतरनाक मूल कौन सी हो सकती है, और आपको ये भी अंदाजा लगाना होगा कि ये किताब कौन सी थी। फॉर योर सरप्राइज, ये बुक थी द होली बाइबल। और ये वही किताब है जो 2 साल के बच्चे के माँ बाप के पास मिला और इसी रीजन के वजह से उस 2 साल के बच्चे को उम्र कैद की सजा दे दी गई। और ये 2 साल के बच्चे को उम्र कैद की सजा देने वाली कोई और देश नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया उसके संविधान के हिसाब से तो एक डेमोक्रेटिक देश है, मतलब एक लोकतांत्रिक देश है, पर उस देश की हकीकत क्या है ये हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। इस देश में ऐसा है कि आप अपने पसंद के ना तो कोई टेलीविजन चैनल देख सकते हैं और ना ही अपने पसंद का कोई कपड़ा पहन सकते हैं। यहाँ तक तो ये भी है कि नॉर्थ कोरिया में एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो उसके लिए भी परमिट लेना पड़ता है। और यही है नॉर्थ कोरिया की डेमोक्रेसी और फ्रीडम। लेकिन मेरे दिमाग में ये एक सवाल आया कि जब यहाँ पर इतना कॉन्ट्रोवर्सी है और इतना ज़्यादा इस देश के लोगों पर जुल्म होता है, तो इस देश को आखिर क्यों नहीं छोड़ के चली जाती है उस देश का नागरिक। और एक लॉजिकली हिसाब से देखा जाए तो हर साल इस देश को छोड़ने वाले की तादाद हमेशा बढ़नी ही चाहिए, बट यहाँ पर सरप्राइज ये है कि ये हकीकत नहीं है। सतिष्ठा के द्वारा रिपोर्ट किए हुए डेटा के हिसाब से साल 2016 के नॉर्थ कोरिया की सरहद पार करने वाले देशवासियों की संख्या बढ़ने की जगह कम हुई है। फिर ऐसा क्यों हुआ? क्या नॉर्थ कोरिया की हालत सुधरते जा रही है और जिस वजह से लोग इस देश को छोड़ना नहीं चाहते हैं, या फिर इस देश के अंदर कोई ऐसी डार्क रियलिटी छुपी हुई है जो आपसे छुपाई जा रही है? तो वेल, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी का ऊपर कुछ बात करने वाले हैं। मैं हूँ आपका दोस्त रियाज। चलिए शुरू करते हैं नॉर्थ कोरिया के डार्क रेड सीक्रेट के बारे में। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 15 अगस्त साल 1945 को, जब जापान के सिलेंडर के पास कोरियन पेनिनसुला स्ट्रगल कर रही थी, जहां नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर का सपोर्ट मिल रहा था और वहीं नॉर्थ कोरिया को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। और इसी भेदभाव की वजह से यहाँ पर बैक एंड फोर्थ हुआ और फाइनली कुछ सालों के बाद नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों अलग अलग डिवाइडेड दो कंट्री बनी। और जब इसका डिवीजन हुआ था तो साउथ कोरिया से ज्यादा नॉर्थ कोरिया के पास रिसोर्सेस था। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ है कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कोई रिसोर्सेस के बिना भी पूरी स्थिति को चेंज कर सकता है। देखो, नॉर्थ कोरिया जिसके पास ढेर सारे रिसोर्सेस और सपोर्ट था, साल 1953 में कोरियन वॉर के बाद वहां पर किम सेकंड सून ने सत्ता अपने हाथ में ले लिया और जिसने उसकी नहीं सुनी ना उसको तुरंत ही वहां गिरफ्तार कर लिया गया या फिर उसको मरवा देता था। किम सेकंड सून ने अपने आप को सुप्रीम लीडर डिक्लेयर करने के लिए बहुत सारा पैसा गंवा दिया और उसने पूरे देश में अपने सैकड़ों मूर्तियां बनवाना चालू कर दिया और नॉर्थ कोरिया के टेक्स्ट बुक में अनडिफेंस चीजें लिखवा दी है, जिसका हकीकत में रियलिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ कोरिया के टेक्स्ट बुक में ये पढ़ाया जा रहा था कि किम सेकंड सुंग ने सिंगल हैंडेड यानी अकेले दम पर पूरे जापान को हरा दिया था और वो भी बहुत आसानी से। हालांकि नॉर्थ कोरिया के पास कोल और मिनरल बहुत थे और किम ने हमेशा कमांड इकोनॉमी को इन दोनों का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ अपने पास रखा। अब साउथ कोरिया का भी 1963 तक कुछ अच्छे हालात नहीं थे, जहां एक्सप्लोड और डोमिनेट के इरादे से वहां पे भी ग्रोथ के लिए कुछ ज्यादा नहीं किया गया। लेकिन दोनों कोरिया का भविष्य बदला साल 1960 में। साल 1962 में यूएसएसआर के संबंध थोड़ा चाइना से बिगड़े थे और फिर नॉर्थ कोरिया से जुसे फोर सेल्फ डिफेंसिव पॉलिसी अनाउंस की। इसके तहत नॉर्थ कोरिया ने अपने 3x4 का एक मिलिट्री वेपन और हैवी इंडस्ट्री में डालना शुरू किया, जिसको कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत अच्छी वैल्यू मिली और इसी के वजह से नॉर्थ कोरिया मिलिट्री बेसिस से फॉरिश होने लगा था। लेकिन बाकी के जितने भी इंडस्ट्री थी सब डिक्लाय होने लगी, डाउन होने लगी। वेयर इज साउथ कोरिया में ठीक उल्टा हो रहा था। साल 1961 में जनरल पार्क चू ई ने मूव करके पूरी पावर को सीज कर ली और इकोनॉमी के सारे कमान अपने हाथ में ले लिया और इसका रिजल्ट यह हुआ कि साउथ कोरिया ने जापान से इंस्पायर्ड होकर एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी को डेवलप करना शुरू किया और अपने
और अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन इसी डिसीजन के वजह से और साउथ कोरिया के मार्केट इकोनॉमी में उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, जिस वजह से ज़्यादा लोग या तो एज ए मैन्युफैक्चरर या फिर एज ए लेबर इंडस्ट्री का हिस्सा बन गए। और इसी के वजह से साउथ कोरिया की इकोनॉमी में एक बड़ा उछाल देखने को मिला और अलग अलग बाहर के देशों से फॉरेन एक्सचेंज भी आने लगे। और इसी ट्रेंड के कारण जहां नॉर्थ कोरिया और ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड और डिक्टेटेड होने लगा, वहां पर प्रोडक्शन नहीं बल्कि मिलिट्री को अहमियत दी जा रही थी, और वहीं पर साउथ कोरिया एज ए विद टाइम और ज़्यादा डेवलप होने लगा और वहां पर सैमसंग जैसी कंपनी को इस्टेब्लिश होने के बाद बाहर की बहुत सारी कंट्रीज और कंपनीज साउथ कोरिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, जहां पर एक तरफ मिलिट्री माइंडसेट और रिसोर्सेज को एक्सप्लोटेशन चल रहा था, वहीं पर दूसरी तरफ इकोनॉमी ग्रोथ देखी जा रही थी। इसके बाद ऐसे ही ग्रेजुएट्स बीतते गए और इसी के वजह से नॉर्थ कोरिया आज के टाइम में एक बहुत ही गरीब देश बन गया है और वहीं पे साउथ कोरिया दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। आज के हालात ये है कि नॉर्थ कोरिया को बाहरी दुनिया से कुछ भी नहीं आता। यहाँ पर इंटरनेट बैन है और यहाँ इंटरनेट के जगह वांग योंग का एक एक्सेस दिया जाता है, जो इंटरनेट का ऐसा सिस्टम है जो पूरी तरह गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, और इस इंटरनेट को सिर्फ नॉर्थ कोरिया के अंदर ही चलाया जा सकता है और इसका एक्सेस बाहर देखने को कहीं नहीं मिलेगा। और फॉरेन मूवी, सॉन्ग, यहाँ तक के बुक भी यहाँ पर इनलीगल है। वहाँ के लोकल लोग कोई इनलीगल एक्टिविटी में पाया गया, उस लीगल एक्टिविटी के वजह से उसके पूरे खानदान को सजा दी जाती है। इसका एग्जाम्पल मैंने पहले ही आपको दे दिया हूँ। आपका यहाँ पर ये एक सवाल होगा कि यहाँ के लोग आखिर इस देश में क्यों रहते हैं, इस देश को छोड़ के क्यों नहीं चले जाते। देखो, नॉर्थ कोरियन सिटीजन का देश छोड़कर जाना भी यहाँ पर बैन है, और फिर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन उनको खुद वहाँ परमिट नहीं देता है। बहुत ही रेयरली वहाँ पर परमिट दिया जाता है, वो भी तब जब एडमिनिस्ट्रेशन का कोई स्वार्थ जुड़ा हो परमिट में। अब दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि सिटीजन यहाँ से लीगली यहाँ से बाहर जा नहीं पाते, और फिर जो इन्हें एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए वहाँ के ट्रैफिक जो है हेल्प करते हैं। अभी अगर आप नॉर्थ कोरिया के बाउंड्रीज को देखेंगे ना, नॉर्थ कोरिया से निकलने के लिए 3 मेजर स्टेप हैं। पहला साउथ कोरिया, दूसरा चाइना और तीसरा रशिया। अगर इन केस कोई ढेरों तकलीफों के बाद अगर नॉर्थ कोरिया से बाहर निकलता है और जब साउथ कोरिया में सक्सेसफुली एंटर कर जाते हैं तो साउथ कोरियन एडमिनिस्ट्रेशन कुछ इस तरह से उसका स्वागत करता है कि उसको तुरंत ही एक नई लाइफ शुरू करने के लिए उसको सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है साउथ कोरिया। किम जिंग योंग, जिन्होंने 31 साल की एज में जो नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया एस्केप किया था, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए ये बताया था कि साउथ कोरिया में घुसते ही इंटेलिजेंस सर्विस उसकी जाँच करती है, ये इंश्योर करने के लिए कहीं वो नॉर्थ कोरिया से आए हुए कोई स्पाई तो नहीं है। उसके बाद डिटेक्टर को एक अनावन नाम के इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाता है, जहां उसको साउथ कोरिया के तरीकों से रूबरू करवाया जाता है और फिर सेटल होने में साउथ कोरिया में हेल्प कराया जाता है। देन उसको साउथ कोरिया के स्पेशल रिफ्यूजी जेल में भेजा जाता है, जहां उनको सरकार एक गाइडेंस देने के साथ साथ एक बैंक अकाउंट मोबाइल देकर के उसका सेटअप करवाया जाता है फॉर द मूव एडजस्टमेंट। और समटाइम उसे पब्लिक रेंटल होम में उसको फूड दे करके छोड़ दिया जाता है, और वो भी साउथ कोरिया की नागरिकता के साथ। इसके बाद वहाँ की सिटीजन की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो डिटेक्टर आगे कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, वो उसको बतलाया जाता है। एक तरीके से साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को डिफेक्टर को लेकर के बड़ा ओपन होकर के उसका वेलकम करता है, और वहीं पर नॉर्थ कोरिया इट इज़ नॉट सेम विद अदर कंट्री। ऐसी कई रिपोर्ट है जो अगर चाइना कोई नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर को पकड़ लेता है तो उसको वापस से नॉर्थ कोरिया में भेज देता है। यही हाल रसिया में जो डिटेक्टर पकड़ा जाता है उसको भी वापस नॉर्थ कोरिया भेज देता है। जैसा कि चोइम कुल चोल नाम के एक नॉर्थ कोरियन साइबर एक्सपर्ट को भी रसिया में अरेस्ट कर करके वापस नॉर्थ कोरिया भेज दिया गया, और ऐसे ही सैकड़ों नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर को उसको पकड़ने के बाद वापस से नॉर्थ कोरिया में भेज देता है, जहाँ पे वापस जाने से लोगों के लिए मौत उससे ज़्यादा अच्छी होती है। और ऐसा इसीलिए कि नॉर्थ कोरिया वापस भेजे जाने के बाद डिफेक्टर को कंसंट्रेशन नॉर्थ जेल में रखा जाता है, जहां पर उसको ऐसा टॉर्चर किया जाता है कि ऐसी बर्बरता अपनाई जाती है कि पूछो ही मत। नाउ टेक्निकली नॉर्थ कोरियन के पास वहां के नागरिक को भाग के जाने के लिए सिर्फ एक अच्छा विकल्प है, वो है साउथ कोरिया। लेकिन आप उस ग्राफ को अगर देखेंगे तो एक
अलग ही कहानी सामने आती है। लेकिन आप सैटिसार डाटा के मुताबिक जहां साल 2016 में जहां पर 1418 डिटेक्टर साउथ कोरिया गए थे और फिर 2017 में 1127 डिटेक्टर और फिर साल 2018 में 1137 और फिर 2019 में 1047 डिटेक्टर ही सिर्फ नॉर्थ कोरिया छोड़ करके स्किप कर पाए थे। उसके बाद साल 2020 में आया कोविड, पूरी दुनिया में लग गया लॉकडाउन, जितनी भी कंट्री थी सारी कंट्री अपनी बॉर्डर को सील कर दिया और इसी के वजह से साल 2020 में सिर्फ 229 डिटेक्टर नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया स्केप कर पाए थे। फिर मगर साल 2021 में कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई, 63 लोग और साल 2022 में 100 से कम लोग ही नॉर्थ कोरिया से स्केप कर पाए थे। यूनिफिकेशन मिनिस्ट्री डेटा के हिसाब से साल 2023 में सिर्फ 34 ही लोग नॉर्थ कोरिया से स्केप कर पाए थे। मगर ये सवाल आता है कि ये आंकड़ा दिन ब दिन कम क्यों होता जा रहा है, क्या नॉर्थ कोरिया की कंडीशन सुधरती जा रही है? पर इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ऐसा इसीलिए हो रहा है कि कोविड के आड़ में नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को चारों तरफ से बंद कर लिया है। देखो साल 2022 में नॉर्थ कोरिया ने पूरी तरीके से टूरिस्ट की एंट्री यहां पर बंद कर दी और फिर इसी के वजह से इंटरनेशनल ट्रैवल बिल्कुल जीरो पे आ गया और सिर्फ यही नहीं चाइना और साउथ कोरिया का बॉर्डर बिल्कुल सील कर दिया गया ताकि दोनों तरफ से कोई भी आ जा ना सके और फिर करंट डिफेक्टर के लिए चाइना का ऑप्शन तो बिल्कुल खत्म हो चुका था और सेम ऐसे ही हुआ साउथ कोरिया के साथ भी और इसी के वजह से ऐसे स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन लगा दी गई थी कि नॉर्थ कोरिया में ही नॉर्थ कोरिया के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए स्पेशल परमिट की जरूरत पड़ने लगी। अगर किसी तरह वहां के लोग इतने सारे परमिट का जुगाड़ करके भी एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश भी करते वहां से बॉर्डर पार करना तो फिर बिल्कुल ही नामुमकिन था। बी रीजन बींग वहां पर इतनी बड़ी बड़ी दीवारें लगा दी गई थी और फिर चढ़ने के बाद उसके ऊपर से फानना बिल्कुल नेक्स्ट वे इम्पॉसिबल हो चुका था। डीएमजी कैंप के वॉल से हजारों नॉर्थ कोरियन तैनात रहते थे जिनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती थी कि उन्हें ये तक छूट दी जाती थी कि उन्हें कोई भी सस्पेक्टेड डिफेक्टर दिखे लेकिन हो ना हो एस्केप अटेम्प्ट आज भी होते ही रहते हैं। उससे पहले उससे कुछ सक्सेसफुल होता होगा या तो उसको मार दिया जाता होगा या फिर उसको टॉर्चर कैंप में डाल दिया जाता होगा और जहाँ पे उनके साथ क्या होता है ये कभी भी कोई नहीं जान पाता। बल्कि हम सभी ये जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया की मीडिया कितनी इन्हीं आज़ादी से अपनी न्यूज़ को चला सकती है, आप तो खुद जानते हैं। तो दोस्तों नॉर्थ कोरिया और ऐसे कंट्रीज़ के बारे में आप जितना भी पढ़ेंगे उतनी ही खुशी होती है अपने अंदर कि ऊपर वाला ने हमें इतने अच्छे बेहतरीन देश इंडिया में पैदा किया। ये कितना खुशनसीबी की बात है, इस बात पर आप लोग यार एक बार कॉमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। तो दोस्तों मुझको उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।